नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा किसान संसद कार्यक्रम का आयोजन, देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के कोचस से है, जहां कोचस के प्रखंड मुख्यालय के परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान आंदोलन के पक्ष में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किसान संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि देश में भाजपा की सरकार और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार उद्योगपतियों एवं कॉरपोरेट घरानों के हित के लिए काम कर रही है। उन्हें किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है। किसी कानून को, सारे कानूनों को वापस ले और मैं उषा जी को काले कानून में जानते ही हैं, खेती को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुट्ठी में सौंप दिया जाए और किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाए। किस तरह की बैठक रखी गई है ये? यह आज हम लोगों ने कोचस प्रखंड मुख्यालय पर किसान संसद का आयोजन किया है दिल्ली की तर्ज पर। इसमें हम लोग किसानों के जो 3 कृषि बिल सरकार ने लाई है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से अभी लोगों को मैंने बताया कि यह तीनों कृषि कानून जो है किसानों को अपने ही खेतों खलिहानों में बंधुआ मजदूर बनाने के लिए यह प्लानिंग के तहत किया गया है और इसमें जो देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए किया गया है। और यह तीनों कृषि कानून लाने से पहले ही जो सरकार के जो कॉरपोरेट घराने हैं, समर्थन में जो कॉरपोरेट घराने हैं, उन्होंने देश के विभिन्न कोनों में भंडारण के लिए 2015 से ही गोदाम बनाना शुरू कर दिए हैं। बिहार में भी ये कटिहार में एक गोदाम बना रहे हैं जिसकी क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन की है, ऑटोमेटिक प्लांट है जिसमें भंडारण किया जाए, उसे ट्रेन से भी ढुलाई वगैरह हो सकती है और इसी का विरोध हम कर रहे हैं। गिरवी रख करके अडानी घराने को पॉकेट में पैसा भरने के लिए कानून लाया गया है। कॉरपोरेट घरानों मित्रों को अपने खुश करने के लिए कानून लाया गया, इसलिए मैं इस कानून को पुरजोर विरोध करता हूं कि तीनों कृषि कानून को वापस लो और MSP का गारंटी का कानून बनाओ जो किसानों के हित में। हमारी खेती घाटे में चल रही है। आज 1500 रुपये क्विंटल गेहूँ बिक रहा है, यानी 15 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है और 20 रुपये केजी पानी बिक रहा है, 20 रुपये चावल हमारा केजी बिक रहा है। अब 25-30 रुपये बोरी, छोटे से 20 केजी के बोरी बालू बिक रहा है, तो हमारा बालू से भी चावल का कम कीमत है, पानी से भी गेहूं का कम कीमत है। ये सरकार क्या कर रही है? केंद्र की सरकार हो या भाजपा इंडिया गठबंधन की बिहार सरकार हो, ये जो है हम किसानों की कमर तोड़ दी है और खाद्य जो तेल पदार्थ हैं ऊंची कीमत पर बिक रही है 200 रुपये। आप टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।